तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रा स्पेशल काजू बादाम पिस्ता शीरा, जो बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार ले लिए हैं, उसमें हम डाल देते हैं ये काजू और बादाम डाल देते हैं इसमें, और ये थोड़ी सी मूँगफली ले लिए हैं, उसे हम भूंज कर इसके छिलके उतार लिए हैं और उतार कर इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ी सी पिस्ता ले लिए, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं, और दो इलायची ले लिए, इससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सभी को डालकर ढक्कन बंद करके इसको दरदरा पीस लेते हैं। तो मिलते हैं पीसने के बाद। ये देखिए ये मेरे पीस चुके हैं, तो हम आपको चम्मच से दिखाते हैं कि ये कैसे दरदरा है। देखिए इतना ही दरदरा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं हमें रखनी है, कुछ इस तरीके के ऐसे। तो इसे साइड में रखते हैं। अब हम गैस जला कर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें हम 2 छोटे चम्मच घी डाल देते हैं। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, बस 2 छोटे चम्मच घी से ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। जब घी डाल दें, घी पिघल जाए, तब हम इसमें ये मिक्सर डाल देते हैं, जो अभी अभी पीस के रखे हैं ना काजू बादाम पिस्ता का, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और डालकर गैस का आँच कम करके इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। इसे हमें लगातार से चलाते रहना है, ज़रा सा भी नहीं छोड़ना है, वरना ये जल जाएंगे। तो देखिए इसे लगातार से चलाते हुए जब ये गांठ गांठ से हो जाते हैं, 2-3 मिनट हो जाते हैं, तो गांठ गांठ से हो जाते हैं, तब समझिए कि परफेक्ट भुनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। तब हम इसमें डाल देते हैं दूध, जो 1/2 लीटर दूध लिए थे उसे हम गुनगुना करके रख लिए। ठंडे दूध नहीं डाले, जब भी डाले तो गुनगुना दूध डालें। तो 1/2 लीटर दूध को गुनगुना करके इसमें हम डाल दिए हैं, और डालकर इसे अच्छे तरीके से चला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं शुगर, चीनी डाल देते हैं। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी हम 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी डाल दिए, और डालकर इसे उबलने के लिए छोड़ दिए। देखिए जब बबल्स आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके के ऐसे हो जाते हैं। तब हम इसको अच्छे से मिलाकर चला लेते हैं, और गैस का आँच मीडियम कर देते हैं। मीडियम आँच पर इसे हम पका लेते हैं। तो इसे बनाने में हमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, और इसे लगातार से हमें चलाते रहना है, ज़रा सा भी नहीं छोड़ना है, बस लगातार से चलाते रहना है। तो चलाते चलाते जब 7-8 मिनट हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके के ऐसे हो जाते हैं। देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी कम गई है, तो फिर भी हमें इसे चलाते रहना है, और गैस का आँच कम करके इसे इसी तरह से चलाते रहना है। तो इसी तरीके से चलाते चलाते 2-3 मिनट जब हो जाए, तो कुछ इस तरीके के ऐसे हो जाते हैं। देखिए कुछ गाढ़े से हो गए हैं। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, तो समझिए कि ये परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए ये मेरे कढ़ाई छोड़ रहे हैं। तब हम गैस बंद कर देते हैं, और गैस बंद करके इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मेरे सीरा परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप 1 कटोरी दिन में खा लें, तो पूरे दिन फिट रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो इस बार नवरात्रा में इस सीरा को ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।